डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। दिग्विजय सिंह पिछले 10 सालों से आधारहीन बातें कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां दिग्विजय सिंह की बातों को अब ध्यान नहीं देती और ना ही जनता ध्यान दे रही है। दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत बयान देकर चर्चाओं में बने रहने के लिए बोलते हैं। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर बोले कि हाँ, जरूर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। नेताओं की कमी आ गई है। कांग्रेस में जो बचे हुए थे वह अभी बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस उड़ता हुआ जहाज है। पूरा देश नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। दिग्विजय सिंह पिछले 10 सालों से आधारहीन बातें कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां दिग्विजय सिंह की बातों को अब ध्यान नहीं देती और ना ही जनता ध्यान दे रही है। दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत बयान देकर चर्चाओं में बने रहने के लिए बोलते हैं। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर बोले कि हाँ, जरूर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। नेताओं की कमी आ गई है। कांग्रेस में जो बचे हुए थे वह भी बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस उड़ता हुआ जहाज है। पूरा देश नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो गया है। दिग्विजय सिंह जी के बयानों को यदि आप देखेंगे, पिछले 10 वर्षों से उनके जो बयान हैं आधारहीन होते हैं, और विरोध करने के लिए, विरोध लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो बयान देते हैं, लेकिन न तो कोई संवैधानिक संस्थाएं उनके बयानों को गंभीरता से लेती हैं और ना ही जनता जनार्दन ही उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेती है। जनता के दिल और दिमाग से दिग्विजय सिंह जी अब उतर चुके हैं, इसलिए उनके बयानों पर हम सबको ध्यान नहीं देना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही हैं। जो सही है, जो गलत है, उस पर समय आने पर फैसले भी हो रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, दो सिटिंग एमएलओ, दो सिटिंग सीएम को बीजेपी ने जेल भेजा है। केजरीवाल हेमंत सोरेन केजरीवाल गिरफ्तारी के बिना क्या दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि यदि किसी के ऊपर कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट है? कानून तो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ हो। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है, और इसलिए यह बयान भी उनका गंभीरता से लेने लायक नहीं। सर, ईवीएम को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर जिस दिन पक्के सबूत मिल जाएंगे उन पर देशद्रोह का आरोप लगाएगा, जो ईवीएम से छेड़खानी कर रहा है। ठीक है, जब पक्के सबूत मिल जाएंगे तब बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी दिग्गज नेताओं को मैदान में ठीक है, वो तो उतारनी चाहिए अपने जिस भी पार्टी में, जो भी उनके पास उपलब्ध नेता हैं, क्योंकि अब नेताओं की कमी हो गई है कांग्रेस में। सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, प्रमुख लोग। जो लोग हैं भी वो सब पहले चुनाव हार चुके हैं, तो इसलिए उनके चुनाव लड़ने से कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी इसकी संभावना नहीं है। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 2014 और 2019 से ज्यादा उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार और ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, जहाँ तक ये धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए कार्रवाइयां हैं, ये राजनीति को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण जो है वो राजनीति से जुड़ा विषय नहीं है, वो हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है, और उस पर संवैधानिक संस्थाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ही कोई कार्रवाई होती है। इस ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाना मतलब सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर उंगली उठाना है, जो कि बहुत ही गलत है।